हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनकट भुइयां पर और मैं हूं आपका दोस्त मुश्ताक भुइयां। दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो पर और थंबनेल देख के आप सबको पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। जी हां, हम पन मसाला मतलब गुटखा के ऊपर बात करने वाले हैं, जो आज के 70% जनरेशन, जो यूथ जनरेशन है, वो खाते हैं और बीमार भी पड़ते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि ये बनता कैसे। इससे दोस्तों, ये बनता है सुपारी से, तो बीटल नाट होता है उससे बनता है, और उसमें केमिकल्स, बहुत सारा केमिकल्स मिला हुआ होता है, जो हम खाते हैं उससे बहुत बीमार हो सकते हैं। वैसा कुछ केमिकल मिला हुआ होता है, उस सबको लिखा हुआ होता है, वो प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए। और अलग अलग कंपनी आजकल बनने लगे हैं, जैसे कि आज देखिए शिखर हो गया, शिखर पान मसाला, फिर हो गया कमला पसंद, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोले तो केपी बोलने से दुकानदार दे देता है, और फिर हो गया केपी का दूसरा ये नया वर्जन है गोल्ड लाइन, केपी का ही ये है, और ये और एक आ गया आपका सिग्नेचर, ये भी पान मसाला है, ये फाइनेस्ट पान मसाला है, और लास्ट में आ गया जो हमारे पास है बिमल पान मसाला, केसर में, क्या बोलते हैं उसको, केसर में अजय देवगन वो एडवर्टाइज करता है, अक्षय कुमार एडवर्टाइज करता है, दाने दाने में केसर का दम। केसर तो नहीं है, बिल्कुल भी केसर नहीं है, इसमें केमिकल मिला हुआ है, उसके खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है, गले का भी कैंसर हो सकता है, आपको दांत खराब हो सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका खराब हो सकता है, बहुत सारे बीमार ऐसे हैं जो आपको हो सकते हैं। तो प्लीज़ इसको मत खाइए, जितना हो सके इससे दूर रहिए, और लोगों को भी बोलिए कि इसको मत खाइए, जागरूक रहिए, क्योंकि इसको खाने से कुछ लाभ तो होगा नहीं, ऊपर से आपको बहुत सारे आपका शरीर में बहुत सारा नुकसान आपका हो सकता है। तो प्लीज़ इसको ना खाइए और इससे दूर रहिए, और लोगों को भी दूर रहने के भी के लिए भी बोलिए। मैं जितना हो सकता है अपने दोस्तों को भी बताता हूँ कि ये सब प्लीज़ छोड़ दो, क्योंकि ये जो एक्चुअल में पान मसाला है वो इंडिया के कई स्टेट ऐसे हैं जिसमें ये बैन है, पूरी तरह से बैन है, लेकिन ऐसे कई राज्य हैं पहले तो इसको बैन कराते हैं, लेकिन फिर से कुछ दिनों बाद एक फिर से दुकान में दिखता है, बिकने लगता है, मतलब तो मैं गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ इसको बैन कीजिए, ये बहुत ही जहरीला एक चीज़ बेच रहे हैं पैकेट में, जो हमारे यूथ को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। तो प्लीज़ इसको बैन कीजिए, और प्लीज़ कोई ना इसको खाइए, मैं छोटे छोटे बच्चे को खाते हुए दिखता हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये, और मैं तो आज तक मैंने इसको मुंह में आज तक डाला नहीं है, मैं इसे बिल्कुल भी दूर रहता हूँ, और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, और कुछ सालों में ये बहुत एक मात्रा में लोग बीमार होने लगेंगे, तो प्लीज़ मैं फिर से दरख्वास्त करूँगा कि इससे दूर रहे पान मसाला से, और मतलब गुटखा से, और जितना हो सके इससे लोगों को भी जागरूक बनाइए। तो